अजीम, आज हम बना रहे हैं केरी की चटनी, केरी की मीठी चटनी। तो मैंने ये केरी ली थी एक बड़ी, उसे मैंने छील के काट के एक कप पानी में उसे मैंने बॉईल कर लिया था, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला था। इसे बॉईल करके मैंने निकाल लिया है, और इसमें जाएगा तिल 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, थोड़े से बादाम है, काजू है, और चारों मगज़ है, और ये कटे हुए बादाम है थोड़े से ना, और बिल्कुल थोड़ा सा खोपरा लिया मैंने, 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने खोपरा डाला है। इसमें चीनी जाएगी 1 कप से ज़्यादा जाएगी, 1.5 सवा कप है ये। कुटी मिर्ची जाएंगी इसमें 1/2 टीस्पून, और किशमिश जाएगी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डाल लें, अगर पसंद है तो डाल लें आप लोग। तो ये मैं डालूंगी इसमें, और सिरका जाएगा 2 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत 1/2 टीस्पून में डाल चुकी हूँ, और ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून। अब हम यहाँ एक पैन गरम कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा पानी जिसमें मैंने केरी को मैंने बॉईल किया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। चीनी को हल्का सा मेल्ट करेंगे, इसमें मैंने कैरी का पानी था 1/2 कप वो मैंने डाला सबसे पहले, फिर इसमें मैंने चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद थोड़ी सी जब वो मेल्ट हो गई तो मैंने इसमें कुटी मिर्ची डाली है, और सिरका 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डाला है। ये हो गया, अब मैं इसमें कैरी डालूंगी। कैरी डाल के मैं इसको पका लूंगी थोड़ा सा। ये देखिए जी, ये हो गई है हमारी, बस एक बॉयल आया और मैंने इसका चूल्हा धीमा कर दिया है। ये देखिए, और अब यहां मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें, और किशमिश। देखिए जी, ये किशमिश हो गई है, अब मैं इसमें ये चीजें डाल दूंगी जो मैंने आपको दिखाई थी। और इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। हमने भगा दिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सिरके में मैंने थोड़ा सा कलर मिलाया है, वो मैं इस पे डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए, वरना ये ऐसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है, इतनी ये ऐसा होना चाहिए इसको। और ये खट्टी मीठी को इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी ये, और बनाएगा इसी स्टाइल में, और बताएगा जरूर कि कैसा लगा। चीनी थोड़ा सा खट्टी मीठी है, अगर चीनी कम करना चाहें
तो आप कर सकते हैं, वरना भी ये तो बिल्कुल सही है ये, और जायका भी बहुत मज़े का है। आप बनाएगा ज़रूर और बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी देखिएगा, कुकिंग विद सर सैयद, और वेबसाइट भी है कुकिंग विद सर सैयद .com। ये बनाएगा बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।